The question given is to find the period of the function f of x is equal to e to the power x minus greatest integer function of x plus mod of cos pi x plus mod of cos 2 pi x plus up to mod of cos of n pi x. तो हमें क्या गिवन है e to the power x minus greatest integer function of x plus mod of cos pi x plus mod of cos 2 pi x up to mod of cos of n pi x. तो ये हमारे पास आएगा e to the power fractional part of x, क्योंकि x is equal to greatest integer function of x plus fractional part of x. तो x minus greatest integer function of x is equal to fractional part of x plus mod of cos of pi x plus mod of cos of 2 pi x up to mod of cos of n pi x. ये आ जाएगा. अब तो अगर हम देखते हैं mod of x, जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है उसका पीरियड होता है 1. mod of cos pi x इसका फंक्शन हो जाए, इसका पीरियड होगा पाई बाई पाई, दैट इज 1. हमारा जो mod of cos of 2 pi x ये हो जाएगा पाई बाई 2 पाई, दैट इज 1/2. mod of cos of 3 pi x ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 पाई, दैट इज 1/3. अप टू mod of cos of n pi x इसका जो फंक्शन होगा, पीरियड होगा वो होगा पाई अपॉन n पाई, दैट इज 1/n. तो हमें जो पीरियड मिला है ये सम ऑफ मेनी पीरियड्स है, दैट इज 1, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/n. तो ओवरऑल पीरियड कितना हो जाएगा, वो पीरियड हो जाएगा LCM ऑफ 1, 1, 1, 1, 1 जो न्यूमरेटर है, अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 1, 1, 2, 3, 4 अप टू n. तो इसमें LCM कितना होगा 1, और इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1. तो जो हमारा कॉमन पीरियड आ गया वो आ गया 1 के इक्वल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर.